हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या जैन, आपका स्वागत है मेरे चैनल वेज टू वेज में। आज हम बनाएंगे चॉकलेट पानी पूरी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यह ली है पानी पूरी की पूरी। अब सभी पूरी में हम इस तरीके से होल कर देंगे। अब हमें चाहिए चॉकलेट। मैंने यहाँ डार्क चॉकलेट ली है, आप चाहो तो डेरी मिल्क भी ले सकते हो। अब हमें ये चॉकलेट को मेल्ट करना है। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए मैंने एक तपेली में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी गर्म हो चुका है। अब ये चॉकलेट का बाउल हम ये तपेली पे रख देंगे और इन्हें मेल्ट कर लेंगे। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब हम इन्हें साइड में रख देंगे। अब चॉकलेट को इस तरीके से एक बार मिला लेंगे। अब ये पानी पूरी की पूरी को हम चॉकलेट में कोट कर लेंगे। ये देखिए, पूरी को हमें इस तरीके से कोट करना है। ये देखिए, पानी पूरी की पूरी को अच्छे से कोट कर लिया है। हमें खाली इन्हें बाहर से कोट करना है, अंदर से नहीं। मैं एक और पूरी को आपको कोट करके दिखाती हूँ। हम सभी पानी पूरी की पूरी को इस तरीके से ही कोट कर लेंगे। अब 2-3 मिनट के लिए हम इन्हें फ्रीजर में रख देंगे। चॉकलेट पानी पूरी को मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है। आप देख सकते हो कि ये कितने अच्छे से सेट हो चुकी है। इन्हें फ्रीजर से बाहर निकालने के बाद आप ये प्लेट को 10 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। फिर आप ये चॉकलेट पानी पूरी को ये प्लेट से अलग कर लीजिए। अगर आप इन्हें तुरंत निकालने जाओगे तो ये चॉकलेट पानी पूरी ब्रेक हो सकती है। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें डालेंगे 1/4 कप दूध। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून शक्कर। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप। आप इसमें चॉकलेट या तो वेनिला आइसक्रीम भी डाल सकते हो और सबको ब्लेंड कर देंगे। चॉकलेट सिरप शेक रेडी है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। मैंने यह छोटी वाली 4 ग्लास ले ली है। अब हम इनमें ये शेक डाल देंगे। अब इनके ऊपर हम रखेंगे चॉकलेट पानी पूरी। अब हमें चाहिए आइसक्रीम। मैंने यह वेनिला आइसक्रीम ली है। अब ये आइसक्रीम को ये चॉकलेट पानी पूरी में हम डाल देंगे। अब हमें चाहिए चॉकलेट बिस्किट। आप अपने पसंद का कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हो। अब बिस्किट के छोटे पीस करके हम ये चॉकलेट पानी पूरी में डाल देंगे। चॉकलेट पानी पूरी रेडी है। आप देख सकते हो ये दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है। ये देखिए, इन्हें किस तरीके से खाना है। अब ये मिल्क शेक को हम चॉकलेट पानी पूरी में डाल देंगे। आप देख सकते हो ये दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। जब आप मिल्क शेक बनाते हो उसमें आप शक्कर अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो।
अब जल्दी से आप भी ये रेसिपी बनाइए और अपने अनुभव मुझे कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।